तस्वीर में नजर आ रहा ये 7 साल का बच्चा बिहार का है, जिसे किडनैप करने और लाखों की फिरौती मांगने की प्लानिंग मुंबई से की गई। लेकिन इससे पहले कि अपहरणकर्ता अपनी प्लानिंग में सफल हो पाते, मुंबई की कांदिवली पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राज मोहम्मद अंसारी, इनका एक अल्पनिवय जो लड़का है उसका अपहरण किया गया था और फिरौती के लिए उसको छोड़ने के लिए फिरौती की रकम 20 लाख रुपये मांगी गई थी। 20 लाख रुपये की जो फिरौती का फ़ोन जो आया था वो कांदिवली पुलिस थाना जो है महाराष्ट्र का, उसके अंदर से आया गया था, ऐसा उनको जानकारी प्राप्त हुई थी। तो ये जानकारी उन्होंने कांदिवली पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक रविंद्र आडानी इनको इनके साथ शेयर की। तो यहाँ पर सूर्यकांत पवार और इनके साथ में एक टीम गठित की गई और उस जो यहाँ से फ़ोन करने वाला जो इसम है उसको पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल 14 अक्टूबर को बिहार के चंपारण जिले के पुलिस थाने में बच्चे के घर वालों ने 7 साल के मुबारक अंसारी के अपहरण होने और 20 लाख की फिरौती मांगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जांच में पुलिस को पता चला कि फिरौती का कॉल मुंबई के कांदिवली इलाके से किया गया है। ऐसे में वहां की पुलिस ने कांदिवली पुलिस से संपर्क करके मामले की जानकारी दी और इसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और बिहार पुलिस के हवाले कर दिया। 14 अक्टूबर 20 को ये जो धनहा पुलिस थाना है चंपारण्य राज्य बिहार, यहाँ में से राज मोहम्मद अंसारी इनका एक अल्पनिवय जो लड़का है उसका अपहरण किया गया था। ये लड़के को बलवा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से वो जंगल में से वो लड़के को रेस्क्यू किया गया और उसमें से 3 लोगों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है। जब वहाँ पर उनको तहकीकात की गई तो उनको 20 लाख रुपए की जो फिरौती का फ़ोन जो आया था वो कांदिवली पुलिस थाना जो है महाराष्ट्र का, उसके अंदर से आया गया था, ऐसा उनको जानकारी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर सूर्यकांत पवार और इनके साथ में एक टीम गठित की गई और उस जो यहाँ से फ़ोन करने वाला जो इसम है उसको पुलिस ने पकड़ा है और आगे की तहकीकात के लिए इस आदमी को बिहार पुलिस स्टेशन के ताबे में दे रहे हैं। बच्चे को सुरक्षित तरीके से उसके घर वालों के पास पहुंचा दिया गया है। वहीं जांच में बिहार पुलिस ने बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इस मामले में शामिल थे। नवभारत मीडिया।